हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सो भी देखिए, यहाँ पर गलती लिख दिया है, सीटेट लिख दिया है, होना चाहिए स्टेट। देखिए, बिहार में स्टेट का जो रिजल्ट एग्ज़ाम हो गया है, रिजल्ट का बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो देखिए कब तक रिजल्ट आएगा। तो देखिए लिखा हुआ है कि हज़ारों अभ्यर्थियों को काफ़ी बेसब्री से बिहार STET परीक्षा के रिजल्ट जारी होने का इंतजार है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 4 से लेकर 15 सितंबर तक, फिर उसके बाद 18 तारीख को एग्जाम हुआ था, तक बिहार माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2023 ली गई थी। अब बोर्ड द्वारा इसका जल्द ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसको लेकर बोर्ड की तैयारी अंतिम दौर में, यानी फाइनल, क्योंकि आंसर की भी जारी किया था, फिर उसके बाद ऑब्जेक्शन के लिए भी बोला था कि जो लोग को दिक्कत है कोई ऑप्शन में आंसर में, उसके लिए भी तो अंतिम दौर में चल रही है। मिली जानकारी के अनुसार परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपने रोल नंबर और जन्मतिथि के जरिए लॉगिन कर अपना रिजल्ट देख सकेंगे। इस बार बिहार STET पासिंग मार्क का कटअप भी जारी कर दिया गया है, यानी जनरल के लिए लड़का के लिए 75 नंबर है, OBC के लिए आपका 68 नंबर के आसपास है, 67 नंबर, ST के लिए 364, ST बोल रहे हैं, BC1 के लिए BC2 के लिए 67 है, 67 और BC1 के लिए 364 है, और SC ST दिव्यांग महिला, कोई भी महिला का 60 नंबर लाना है। STET परीक्षा पास अभ्यर्थी ही हाई स्कूल और प्लस टू स्कूलों में पाली के लिए योग्य माने जाएंगे, यानी UPSC के एग्ज़ाम दे पाएंगे। यानी रिजल्ट की बात करा जाए तो आपका रिजल्ट बहुत जल्द, आपका 5 दिन के आसपास ही आप लोग का रिजल्ट जारी कर दिया। रिजल्ट का तो था कि 18 तारीख को रिजल्ट जारी कर देना है, लेकिन हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो लोग ज़्यादा एज के थे उनको मौका मिला था एग्ज़ाम देने का, तो इसलिए आपका रिजल्ट में देरी हो गया था। लेकिन जल्द ही आप लोग का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि अंतिम चल रहा है आपका रिजल्ट का। देखिए लिखा है कि बोर्ड द्वारा इसका जल्द ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसके लिए बोर्ड की तैयारी क्या है, अंतिम दौर में चल रही है, और इसके अनुसार आप जो भी अभ्यर्थी आप वेबसाइट में जाकर रोल नंबर से देख सकते हैं।